भाई तो आपको पता नेचर लवर तो नहीं हम, तो नेचर के पास जा चुके हैं ट्रैकिंग के लिए। अब यहाँ से देखते हैं कितनी दूर हम जा पाते हैं। अब देख लिया यहाँ का, और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। फिर यहाँ से देखते हैं, भैया ने लिए 400 रुपये 3 लोगों के। तो गाइस अभी जा रहे हैं थोड़ी सी ट्रैकिंग करने, देखते हैं अगर बनता है तो करेंगे, तो फिर वहाँ से वापस जाएंगे। यहाँ से जाते हैं सीधा पहाड़ों के पास, तो वहाँ पे करते हैं ट्रैकिंग। वहाँ से मतलब पता चलता है कि मतलब यहाँ से गोदावरी नदी प्रकट हुई थी, वहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर से गोदावरी नदी प्रकट हुई थी, तो वहाँ उनकी झलक दिखती है। उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो जाती है, फिर उसके बाद वो कुंड में दिखती है। कुंड अभी देखा हमने, उसमें दिखती है। तो अभी जाते हैं, अगर ट्रैकिंग बनती है दिखाते हैं ऊपर जाके कैसा क्या व्यू। तो बहुत शानदार ही होगा ऊपर से, मगर अभी जाते हैं देखते हैं वहाँ पे जाके। आगे कुछ ऐसी गलियाँ हैं, आजू बाजू में घर है, और यहाँ बीच में रास्ता है बहुत ही शानदार सा। तो आगे जाते जा रहे हैं, रास्ता बढ़ते जा रहा है। तो गाइस हम आ गए हैं पहाड़ के नज़दीक, और आपको व्यू चेक कराते हैं पीछे के। सब कुछ व्यू है पीछे का, तो यहाँ बाजू में कुंड है, आपको दिखाते हैं अभी। अरे वो हाईवे नहीं दिख रहा था, हाईवे तो गाइस यहाँ जानकारी ले रहे हैं, देखते हैं जानकारी अगर सही रही तो आगे जाते हैं, नहीं तो यहीं तो वापस होना पड़ेगा। तो अभी जान हुई है, ले रहे हैं जानकारी। पटेल और मैं यहाँ खड़े हुए हैं। अरे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मस्त मस्त पटेल, व्यू तो देखो कितना प्यारा है यार। गाइस आपको पता है नेचर लवर तो नहीं हम, और नेचर के पास जाते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है, तो पूरा नेचर ही नेचर। और ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो गाइस यहाँ से निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए। अब यहाँ से देखते हैं कितनी दूर हम जा पाते हैं। यहाँ से सारा पैदल रास्ता है, रोड बनी हुई है, पैदल जाना पड़ेगा हमें। तो रास्ता कुछ ऐसा है हमारा, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या रहेगा आगे। तो गाइस हम आ गए बिल्कुल पहाड़ के पास में, और यहाँ से हम ऊपर तो नहीं जा रहे, पीछे अहिल्या घाट है, यहाँ पानी भरा हुआ है, और यहाँ से पहाड़ देख लीजिए, बहुत ही प्यारे पहाड़ हैं। प्यारा तो है ही नेचर, और यहाँ पहाड़ का शेप देखिए आप, ऐसा लगता है कटे हुए हैं यहाँ पूरे। और वहाँ से जा शायद रास्ता है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वहाँ से ऊपर जाना है, और वहाँ से फिर ऊपर जाके वहाँ पर गंगा जी भी है और गोदावरी जी भी है, तो वहाँ पे प्रकट होते हैं शायद। और गंगा जी वहाँ पर मतलब क्या शायद, हाँ वहाँ भी शायद वैसा बोलते हैं लोग, प्रकट होती है। और यहाँ पीछे तालाब है, फिर कहते हैं अहिल्या घाट। आपको व्यू चेक करा, thank you.
गाइस यहाँ पे मतलब देख लिया यहाँ का, और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। फिर यहाँ से देखते हैं और क्या रहता है, बाजार वजार घूमते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। तो अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं वापस, तो चलते हैं। चलो तो गाइस हम रास्ता ढूंढते परेशान हैं, पटेल भाई गुस्सा हो गए, शानू भाई यार कहीं ले जा रहे हैं हमें। तो अभी देखते हैं सही जगह पहुँचते हैं नहीं। मंदिर तो देखा हमें ऊपर से, और यहाँ आके हमें ऐसा लग रहा है कि हम उत्तराखंड की वादियों में आ गए हैं। तो मंदिर पहुंच जाएंगे। तो गाइस रात को आपको जो हमने तालाब चेक कराया था उसका व्यू आपको सही से आया नहीं होगा, तो अभी दिन में आपको व्यू चेक कराते हैं। ओम धाम यहाँ से शानदार व्यू, ये पूरा तालाब है बीच में है बिल्कुल। आपको मछलियाँ भी चेक कराते हैं, मछलियाँ भी दिखाते हैं मतलब। चलिए व्यू तो बहुत शानदार ही है यहाँ का। तो गाइस अभी लगवा लिया हमने तिलक, अब यहाँ से देखते हैं अभी पहले रुद्राक्ष वाले के पास जाए। रात को हमने इसका पता किया था, मतलब मेरी राशि कुंभ है तो कुंभ राशि की मैंने रुद्राक्ष की माला देखी थी, वही कुंभ राशि वाली रुद्राक्ष की माला। तो अभी जाके देखते हैं वही कुंभ राशि माला की ये पूरा मतलब जो सरकारी है नहीं संस्था है, यहाँ से ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलते हैं, हर ज्योतिर्लिंग पे आपको मिल जाएगा। ठीक है तो ये काफी इसमें अटैच हो जाएगा, जैसे भैया ने पहन रखा है ना दो मूर्ति बड़ा देना है। और आप अपनी लेना चाहते हो तो ये कुंभ राशि टोटल कोई दिक्कत नहीं, कब पहन सकते है ना कोई पहन सकता है। तो भाई सी ले रहे हैं 35 है, देख लीजिए ये 5 मुखी सभी पहन सकते हैं। तो बड़े ठीक है पेमेंट कर दो जी। मुझे 4 बजे सी हो जाती है ठीक है। ये कितने 320 तब ऐसा है पंडित जी हमें पहना दीजिए। बड़े इतनी पूजा मेरे से थोड़ी बनती ये ले लिया है सजय सानू भैया हमारे पंडित जी, वो करेंगे सब कुछ, हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। इसे कोई भी पहन सकता है ना, पापा पहनते हैं तो देखते हैं गाइस पापा पहनते हैं हमें पहन दो। इसका बिल आएगा ना भैया GST के साथ वाला वीडियो में बोल रहा था ना रवि वायरल हो जाएगा नंबर ठीक है वो इसके लिए ले लिया है। और देखते हैं अगर पहनते तो आपको दिखाते हैं आगे, तभी चलते हैं बाहर। तो गाइस रुद्राक्ष को पैक करा लिया है और यहाँ से अब निकल रहे हैं, कुछ मतलब भोजन वोजन करते हैं क्योंकि सुबह से हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा क्योंकि हम पैदल भी गए थे वहाँ इतनी दूर पहाड़ों के पास, देखिए यहाँ से कितने दूर है पहाड़, वहाँ हम गए थे। तो अभी पहले कुछ खाते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार, फट से खाना खाते हैं और फिर बोलते हैं। तो भाई इन लोगों ने दो नींबू पानी पी लिए फिर भी, और थोड़ा बनवा रहे हैं, क्या पता इतना पेट में क्या खाया था इनने, तो उसको खाली करने के लिए सोडा बनवा रहे हैं ये, वो भी दोपहर के 2 बजे। तो भाई अभी चलते हैं इससे आगे और फिर बढ़िया सा कुछ दिखाते हैं। हाँ तो भाई यहाँ से हम फ्री हो गए हैं, अभी ऑटो ऑटो देख रहे हैं या कुछ बसेस देखते हैं और फिर यहाँ से बैठ के फिर डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाते हैं नासिक, और फिर वहाँ से टारसी के लिए निकलते हैं। ट्रेन है हमारी 12 बजे, तो अभी देखते हैं यहाँ से कुछ साधन आधन फिर निकलते हैं डायरेक्ट।
भाई बैठ गए ऑटो में और यहाँ से जा रहे हैं। भैया ने लिए 400 रुपये तीन लोगों के, बाकी सब तो 600-700 रुपये बोल रहे थे। भाऊ को जाना था ना? हाँ भाऊ को वहीं जाना है, तो भाऊ ने हमारी हेल्प कर दी। बस जाते हैं और स्टेशन पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो गाइस आ गए नासिक रेलवे स्टेशन, तो अभी यहाँ से अंदर जाते हैं। ट्रेन मतलब ट्रेन का तो बहुत समय है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अभी अंदर जाते हैं, तो रेस्ट करते हैं अंदर जाके, फिर ट्रेन आती, फिर ट्रेन में बैठ के फिर डाल दी।